किया, उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है, सिर में लगी है और दूसरी कैसे यहाँ लगी। हरियाणा के पलवल में पशु तस्कर समझकर 12वीं के छात्र आर्यन की हत्या से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। आर्यन की मां का रो रो कर बुरा हाल है और आर्यन की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। घटना 23 अगस्त की है। मृतक की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले आर्यन मिश्रा के रूप में हुई है। वो 12वीं कक्षा का छात्र था। इस मामले में 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पकड़े गए लोग गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि डस्टर गाड़ी में कुछ तस्कर शहर में घुस गए हैं। दूसरी ओर आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गौरक्षकों को गोली चलाने के अधिकार किसने दिया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है। वहीं पिता ने ये भी कहा कि मकान मालिक से उनका मनमुटाव चल रहा था। मैं 112 पे बीटी करने चला, हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि एक नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। पीड़ित पिता ने बताया कि आर्यन माँ से 5 मिनट में आने की बात कहकर गया था। इसके बाद आर्यन सुजाता, हर्षित गुलाटी, शैंकी गुलाटी और अन्य के साथ कार से कहीं चला गया। उन्हें शक है कि बेटे की साजिशाना हत्या की गई है। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए हर्षित के पापा ने। हर्षित पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए, हमारा लड़का वहाँ से भगा लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लूँ किस लिए चलूँ पलवल। फिर लेके गए बीके, गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकी था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। दो गाड़ियां थी एक गाड़ी गई थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ डस्टर गाड़ी में नूडल्स खाने के लिए गया था। गौरक्षकों ने उन्हें तस्कर समझकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें गोली लगने से आर्यन की मौत हो गई। फरीदाबाद NIT के 5 नंबर इलाके में रहने वाला आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात को 11 बजे घर से दोस्तों शैंकी, मकान मालिक के बेटे हर्षित, उसकी मां श्वेता गुलाटी और 2 महिलाओं के साथ वर्धमान मॉल में नूडल्स खाने के लिए गया था। इसी दिन गौरक्षकों को सूचना मिली कि शहर में डस्टर और फॉर्चुनर गाड़ी में गौ तस्कर घूम रहे हैं। आर्यन मिश्रा और बाकी लोग जब नूडल खाकर लौट रहे थे तो सेक्टर 21 के पास स्विफ्ट कार सवारों ने हर्षित की डस्टर कार को रुकने का इशारा किया। गाड़ी हर्षित चला रहा था, साथ में आर्यन बैठा था। श्वेता गुलाटी ने बताया कि दूसरी कार में पुलिस जैसी लाइट लगी हुई थी। ये देखकर उन्हें लगा कि पुलकित गुलाटी ने शैंकी को पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा है। इसके बाद स्विफ्ट सवारों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जब हर्षित ने कार भगाई तो गौरक्षकों को लगा कि डस्टर में गौ तस्कर ही है। करीब 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद गौरक्षकों ने फायरिंग कर दी। पलवल के गतपुर में एक गोली कंडक्टर साइड पर बैठे आर्यन मिश्रा के सिर पर जा लगी। इसके बाद कार रुकी तो उन्होंने आर्यन को एक और गोली मारी, लेकिन कार में महिलाओं को देखकर गौरक्षकों को लगा कि उन्होंने गलत लोगों का पीछा किया। इसके बाद वे चले गए। आर्यन को फरीदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया और यहां 24 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।